नमस्कार दोस्तों डॉलर रुपी स्पेशल एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी दोस्तों को जिन्होंने मेरा ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सजेस्ट किया था उनके लिए आई हैव हैचे दिस माइक लेट्स सी कि ऑडियो क्वालिटी बेटर होते हैं या नहीं आज मंथ का लस्ट दे है थोड़ा सा डॉलर रुपी का एनालिसिस कर लेते हैं डॉलर रुपी अभी है आपका 82.64 65 लेवल्स कंसोलिडेशन चल रहा है ऑन द हायर साइड 82.80 से 82.85 ऑन द हायर साइड और नीचे की तरफ 82.40 से 45 के बीच में साइडवेज कंसोलिडेशन डॉलर इंडेक्स ओवरनाइट में अच्छा खासा वीक हो चुका है अभी है आपका हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट वन सेवन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है व्हाट नेक्स्ट इसको अगर फर्दर सॉफ्ट होना है तो कल के लो के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा देन एंड ओनली देन दिस ब्रेकआउट विल बी कंसिडर एज अ वैलिड ब्रेकआउट सो देखते हैं क्या होता है एंड डॉलर रुपी जो एक रेंज में फंसा हुआ है उसमें आते हैं बिफोर दैट हम लोग सी एन एच में आते हैं सी एन एच आज चाइना का डेटा पी एम आई डेटा बहुत ही खराब आया है डिस्पाइट चाइनीज ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं कर रहा है क्योंकि पीबीओ सी ने वहाँ पे बैठे हुए हैं डंडा लेके ऊपर जाएगा तो मैं हथौरा लगाऊंगा सो दे आर मैनेजिंग द सी एन एच विथ आयरन हैंड डेटिंग द केस जब तक ये पागल नहीं बन जाता है सी एन एच फर्दर डेप्रिश के लिए तब तक ये अंडर कंट्रोल रहेगा तो ये अगर अंडर कंट्रोल रहेगा तो डॉलर रूपी के ऊपर जो प्रेशर है एक्स्ट्रा प्रेशर है ड्यू टू तो चाइनीज इवन वो भी नहीं आएगा डेट बिंग द केस डॉलर रूपी का जो अदर देन चाइनीज इवन जो फैक्टर्स होगा फैक्टर्स विल कम प्ले उसके बाद आते हैं क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल ये है ब्रेंड क्रूड पहले हम यूके ऑयल लेते थे ये ब्रेंड क्रूड ऑलमोस्ट सेम है ब्रेंड क्रूड इज लिटिल बेटर इन सच केस अभी है अभी हमें देखना है क्या ब्रेंड क्रूड डेली जो चार्ट है आर एस आई सिक्सटी में रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है समथिंग लाइक दिस अगर आता है तो बहुत बढ़िया है क्रूड ऑयल ट्रेड करने के लिए नेक्स्ट इज अवर डॉलर रूपी अभी डॉलर रूपी एक नजर एक बार के लिए हम मंथली है, वो है आपका प्राइस रिजेक्शन हुआ है हमने बेसिकली इस टाइप का एक इन्वर्टेड हेमर या इन्वर्टेड पिन बार का एक इमेजिन किया था मिड ऑफ द मंथ में बाई द एंड ऑफ द मंथ ऐसा कैंडल ना बन जाए क्योंकि ये ड्यूरिंग द मंथ ये ब्रेकआउट करके यहां तक आ चुका था 83.20 30 40 तक आ चुका था बट मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था मंथ कंप्लीट होते होते अगर ये सुपर बुलिश कैंडल रहता तो रुपी तो गया होता लेकिन वैसा हुआ नहीं वहां पर दूसरा एक्सपेक्टेशन था कि बाय द एंड क्लोज ऑफ द मंथ ऐसा एक इन्वर्टेड न बन जाए और ये बन चुका है मीन नॉट बन चुका है exactly मीन्स हम, एक्जेक्टलीमर नहीं है बट प्राइस रिजेक्शन एट द हायर एंड सो रिजक्शन ऑल्दो इट इज अब सिक्सटी आर एस एम्स में लेकिन ये दोबारा रेक्टेंगल के अंदर में आ चुका है जो रेक्टेंगल ट्राइंगल नॉट रेक्टेंगल जो ट्राइंगल था ट्राइंगल के अंदर में आ चुका है आज का दिन फाइनल है मंथ क्लोज होने के लिए एंड वीकली जो है आर एस आई टूक रेजिस्टेंस एट सिक्सटी एंड उसके बाद नीचे आ चुका है ये जो आर एस आई टूक रेजिस्टेंस एट इसको कहता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि नेक्स्ट दो चार छ हफ्तों तक यानी दो चार वीक्स तक ये जो 83, 83, 25 के ऊपर जाने में थोड़ा सा हर्डल्स होगा दैट बीइंग द केस जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस राइट करते हैं लॉन्ग टर्म के वन मंथ डाउन द लाइन या टू मंथ डाउन द लाइन दे कैन राइट एटी थ्री क्वार्टर कॉल ऑप्शन राइट करके शॉर्ट करके ये जो टाइम डीके का जो पैसा है प्रीमियम है वो एनकेश कर सकते हैं उसका रीजन क्या है अब जब देखो जब जब आरएसआई क्विकली आर 60 में गया उसके बाद काफी टाइम के लिए वो लेवल पे गया नहीं इधर नीचे की तरफ सेल ऑफ हो चुका है या कॉन्सोलिडेट साइडवाइज कॉन्सोलिडेट किया लेकिन ऊपर को तोड़ा नहीं है कॉन्सिडरिंग दिस फैक्ट यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज है कि आने वाले दिनों में आइर ये साइडवाइज मूव कर सकता है या आपका नीचे की तरफ डाउन मूव कर सकता है अगर डाउन मूव करेगा तो पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हैं लेकिन डाउन मूव होगा या नहीं होगा उसका अभी तक पता नहीं चल रहा है दैट द केस हमें थीटा डीके दैट मीन टाइम डीके का पैसा खाने के लिए 83 क्वार्टर या 83 हाफ का कॉल ऑप्शंस को राइट कर सकते हैं सितंबर एंड या अक्टूबर एंड के लिए

मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है हंड्रेड परसेंट प्रॉबे मीन गारंटी नहीं है कि आपको ऐसा हो सकता है कि ये के भाग सकता है मान लेते हैं सेप्टेम्बर एंड का तो इन सचे केस वी शुड प्लेस आवर स्टॉप लॉसेस क्योंकि नॉट ए सिंगल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज

मनी मैनेजमेंट क्या है कि मैं कितना पैसा लॉस देने के लिए तैयार हूं पोजीशन साइजिंग क्या है मेरा अगर प्रॉफिट में आया तो कोई इश्यूज नहीं है अगर लॉस में गया क्या नेक्स्ट लॉस बुक करने के बाद मेरे को अगर ट्रेडिंग सेटअप मिलता है रिवेंस ट्रेडिंग नहीं अगर ऑटोमेटिकली मेरा जो सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिलता है मींस सेटअप मिलता है कि बाय के लिए या सेल के लिए क्या मैं एनी हेजिटेशन दोबारा ट्रेड ले सकता हूँ या मेरे मन में डर आएगा अगर मेरे मन में डर आएगा क्योंकि पहले मेरा काफी लॉसेस हो चुका है इन सच केस वो प्रॉपर पोजिशन साइजिंग नहीं है अगर मैं हैप्पीली बटन या सेल बटन को दबा सकता हूँ आफ्टर द स्टॉप लॉस वन स्टॉप लॉस टू स्टॉप लॉस फाइव स्टॉप लॉसेस दैट मीन्स माई पोजिशन साइजिंग इज परफेक्ट

स्ट्रेटेजी वर्क परफेक्ट प्रोवाइडेड योर माइंड सेट योर साइकोलॉजी योर मनी मैनेजमेंट इज एलाइन टू दैट सिस्टम जो भी हो तो ये हो गया आपका एक जो हम से शॉर्ट कर सकते हैं अभी आते हैं डेली डेली में एक रेंज हो चुका है जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो ऑन द लोअर साइड एट्टी टू टू ट्वेंटी से एट्टी थ्री फोर्टी तक आप बोलोगे अरे सर, तो बहुत बड़ा रेंज रेंज हो गया यस इट्स इट्स टेंटेटिव अभी प्राइस के हिसाब से जो कर रहा है लेट इट तो टू कॉन्सोलीट फॉर सम मोर टाइम उसके बाद हम देखेंगे कि आपका क्या बोलते इसको अह uh, कैसे प्राइस बिहेव करता है ये हो गया ओवरऑल मींस मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म में रूपी कैसे बिहेव कर सकते हैं अभी आते हैं करेंसी फ्यूचर में ये है करेंसी फ्यूचर का सितंबर एक्सपायरी का प्राइस एक्शन यहाँ पे अभी सितंबर एक्सपायरी चल रहा है 82.72 इसको अगर हम आवरली चार्ट में डालेंगे तो

ये एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ आई एम हेयर टू एक्सप्रेस द वे आई लुक एट द मार्केट मैं कैसे बाजार को देखता हूँ उसको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप खुद आपका डिसीशंस ले सकते हो कि मेरे को अभी बाई करना है मेरे को अभी सेल करना है मेरा ये स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होगा या नहीं होगा या मैं अभी ट्रेड में इंतजार करूँ फॉर फ्रेश ट्रेड तो अभी मिनट्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिल रहा है दैट द द केस से सपोर्ट लेवल उसके बाद भी अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे और एक है, जो है सेकेंड इंट्रा डे सपोर्ट और ऊपर में तो ऑलरेडी आई डिस्कस्ड तो प्राइस अभी क्या किया कल जो क्लोज दिया था 82.79 उसके बाद आज सुबह गैप डाउन ओपन हुआ सेल ऑफ हुआ टूवर्ड्स बाद प्राइस कंसोलिडेट कर, कर रहा है अभी देखो नीचे आया ऊपर गया अभी यहाँ पे बैठा हुआ है क्या ये हाई को तोड़ेगा इन सच केस क्या ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा ये हमें देखना है अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाते हैं

ये एक पॉसिबिलिटी है एस पर एस द प्राइस एक्शन उसके बाद हम पंद्रह मिनट में आते हैं पंद्रह मिनट में भी जो प्राइस बना रहा है देखिए बैक टू बैक ऊपर आया पहला रेड कैंडल पे बेचना नहीं है एक ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है उसके बाद उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे हमें बेचना है यानी अगर आपका यहाँ पे एक पिन बार बनाया हुआ है ग्रीन कलर का पिन बार इसके लोग के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर ए टारगेट टूवर्ड्स दिस 82.65, 65 स्टॉप लॉस ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर है यानी यहाँ पे मेरा दो पॉसिबिलिटीज है अगर पहले हाई तोड़ता है तो इसके ऊपर बाई फॉर ए स्मॉल टारगेट दैट इज 82.80 के लिए स्टॉप लॉस इस रेड

प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है ट्रेंडिंग नहीं है थोड़ा ऊपर जाएगा इमीडिएटली सेल ऑफ हो जाएगा नीचे आए थोड़ा नीचे आएगा इमीडिएटली बाय बैक हो जाएगा क्योंकि प्राइस इज नॉट ट्रेंडिंग इसीलिए आपको यहां पे मींस ज्यादा रिस्क टू रिवार्ड वाला ट्रेड मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको इंतजार करना पड़ेगा ये हो गया 15 मिनट का प्राइस एनालिसिस अभी आते हैं हमारा जो कल परसों का जो ऑप्शन राइटिंग था जहाँ पे पहले हमने 82 83 थ्री के पुट को शॉर्ट किया था एंड कल हमनेटर का एट्टी टू हाफ का कॉल को शॉर्ट किया था यानी रोल ओवर किया था रोल ओवर एट्टी टू क्वार्टर को 82 टू हाफ में रोल ओवर किया था पुट ऑप्शन को वहीं पर रख दिया था उसका क्या स्टेटस है पहले अब हम आते हैं एट्टी टू सॉरी एटी थ्री का छोटा एक क्वांटिटी शॉर्ट किया था कल एम टू एम लॉसेस दिखा रहा था आपको अगर याद होगा तो कल टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज का एम टू दिखा रहा था एंड अभी थ्री का एम टू एम प्रॉफिट दिखा रहा है मैंने क्या किया यहाँ पे क्वार्टर पैसे में बाई करने के लिए स्टॉप ऑर्डर डाल दिया लिमिट ऑर्डर डाल दिया ताकि अभी जो प्राइस एक्शन है क्वार्टर पैसा हाफ पैसा तो क्वार्टर पैसा में अगर ट्रेड हो जाता है तो आई विक्वास अब बोलोगे क्यों आप क्वार्टर पैसा में पाई बैक करना चाहते हो क्योंकि होल्ड करोगे तो कल ऐसे भी जीरो हो जाएगा यस जीरो हो जाएगा लेकिन मैं अगर इसको स्क्वायर नहीं करता हूं तो मंडे मन, अर्ली मॉर्निंग तक मेरा लिमिट ब्लॉक हो जाएगा यानी जितना भी थ्री हंड्रेड लॉट्स के लिए जितना भी मेरा लिमिट गया है पूरा का पूरा लिमिट ब्लॉक हो जाएगा और कल मेरे को कुछ अगर फ्रेश ट्रेडिंग लेना है आई कैन नॉट टेक दैट ट्रेड सो इट्स ए क्वार्टर पैसा सेक्रीफाइस अगर आ जाता है किसी भी मोमेंट में आ सकते हैं ये हो गया एट्टी थ्री का कॉल ऑप्शन का स्टेटस जो अभी

पहले मेरा 82 क्वार्टर का जो पुट राइटिंग था उसको रोल ओवर करके मैंने 82 हाफ का पुट ऑप्शन को, so, को जो हमने रोल ओवर किया था वो मैंने एक पैसा में किया था उसके बाद काफी अगेंस्ट में भी गया था कल आ, 2 हफ्ता कल गया था 21 अगस्त यानी आज ही है ओके okay. तो एग्जिम में तीन सारे दिन पैसे तक गया था अभी थोड़ा सा मिन्स एट कॉस्ट तरफ आ रहा है दैट बिंग द केस ये जो फ्राइडे का फर्स्ट सितंबर का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को वीकली uh, एक्सपायरी है वीकली एक्सपायरी का क्या स्टेटस है आपका एट्टी टू हाफ का जो पुट ऑप्शन छोटा क्वान्टिटी हंड्रेड क्वान्टिटी मैंने शॉर्ट किया था क्योंकि रेंज क्लियरली डिफाइंड नहीं हो रहा है इसके लिए छोटा क्वान्टिटी जो हमने एक पैसे में किया था अभी ऑलमोस्ट एट कॉस्ट है बिकॉज एक वन वन क्वार्टर में है और एट्टी थ्री का जो पुट कॉल ऑप्शन का हमने शॉर्ट किया था उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट है अभी तक हिट नहीं हुआ जो हमने बाइक के लिए रखा था तो आपका स्टेटस ये हो गया आशा करता हूं ये जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं क्लियर हो चुका है अभी के लिए इतना ही थैंक यू बाय बाय